सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास संडे बहुत बहुत खतरनाक रूप से आज का संडे सादर जैन। पहले सुनते हैं आप और करते हैं बीच बीच में आपके साथ बात। सुनिए जरा, कल हुई थी प्रेस वार्ता किसकी, दत्तात्रेय समाज की ओर से 40-45 साधुओं ने मिलकर और क्या क्या बोला है। पहले हमसे परिध्यान रहे, प्रेम से सब कुछ संभव है, हिंसा का तांडव से नहीं। सुनिए जरा, बार बार यहाँ पर गिरनार के अंदर दिगंबर जैन समाज के लोग आकर के इस तरह से शांति को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। कभी लड्डू चढ़ाने आ जाते हैं, जो परंपरा नहीं है उसकी नई परंपरा शुरू करने आते हैं, पहचान बदलने का कार्य करते हैं। सुना आपने, वर्तमान में दत्तात्रेय पर वहाँ के मठाधीश हैं महेश गिरी जी, पूर्वी दिल्ली के सांसद रहे हैं जिस इलाके के हम। उन्होंने क्या क्या कहा, बहुत ज़्यादा आग उगली गई, पर अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए अगर किसी को आहुति देनी होगी इस यज्ञ के हवन कुंड के अंदर, तो चैनल महालक्ष्मी इसके लिए तैयार होने को तैयार है। क्योंकि कहते हैं किसी ना किसी को तो इस यज्ञ में आकर आहुति देने की शुरुआत करनी होगी। बहुत मन किया, सोचा किया, आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज से आशीर्वाद लिया और फिर इसकी ये घोषणा हुई है। कल जैन धर्म संरक्षण महासंघ की ओर से एक प्रेस वार्ता का उसके लिए जो उन्होंने कहा, क्योंकि जब होते नहीं, जब आप सत्य को भी आज कहते हैं कहीं ना कहीं बैसाखियों की जरूरत पड़ जाती है। बहुत ऐसा ज़माना आ गया है कि घोर कलियुग के रूप में आज हम सत्य की बात करना चाहेंगे, सिर्फ उन सब साधुओं के साथ, ये नहीं सिर्फ जैन साधुओं के साथ, अजैन साधुओं के साथ, वैदिक परंपरा के साथ। क्योंकि मालूम है हमें भी, आप भी सत्य के साथ अहिंसा के साथ सदा आगे रहते हैं, हमेशा वैदिक श्रवण एक साथ रहते हैं, आपके लिए जरूरी है। और कल प्रेस वार्ता में हम उसी बात को उठाएंगे, 1 तारीख के ऊपर से कुछ थोड़ा सा नकाब उठाएंगे उसके अंदर। आप सबसे अनुरोध कि आप भी सहभागिता हो सके तो अहमदाबाद में कोशिश कीजिएगा। पर हाँ, जो नहीं देख पाएंगे उनके लिए 2:30 बजे चैनल महालक्ष्मी लाइव प्रेस वार्ता लाएगा कि 1 तारीख के जो हुआ घटना हुई उस निंदनीय घटना के परिपेक्ष की सच्चाई क्या है, वह सब के सामने लाने का प्रयास करेगा। आप भी जुड़िएगा लाइव 2:30 बजे कल सोमवार को दोपहर से आपके पास आएंगे। पर अब आगे बात करते हैं, सुनिए जरा महेश गिरी ने क्या क्या कहा। हो सकता है जैन किसी भी तरह से अपना दावा रखे, लेकिन सरकार के चोपड़े में जिसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं, उसमें कहीं भी जैन मंदिर का उल्लेख है ही नहीं। अगर आप ऊपर के जैन मंदिर की बात करोगे तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में साफ साफ लिखा है रा खेंगार का महल, यानी खेंगार राजा का महल। अब क्या हुआ कि जब विस्तारवाद की बात आई, धर्म के विस्तार की बात आई, तो गिरनार के तीर्थ में, अब उनके उसमें लिखा है नहीं लिखा है मैं उस पर नहीं जाता क्योंकि मुझे किसी की भावना को आहत नहीं करना है, पर जो यहां का सत्य है वो बताना है। तो क्या हुआ, 200-400 साल पहले की बातें हैं, राजा खेंगार जी का जो महल था, मुगलों से लड़ रहे थे तो वो लड़ाई करते वक्त लड़ते थे और स्त्रियों को दूषित करते थे, तो राजा खेंगार ने राणक देवी जो है उनके रहने के लिए तीर्थ के अंदर भगवान के चरणों में रहे राणक देवी, दूषित ना हो स्त्री, इसलिए वहां पर महल बनवाया और संतों के चरणों में रहे, इसलिए शिव मंदिर और शक्ति मंदिर वहां पर बनवाया, उसकी संरचना से पता भी चलता है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में इसका पूरा वर्णन है। अब जैन समाज है या उनके अंदर जो श्वेतांबर दिगंबर पंथ है, उनके आपस में भी बहुत लड़ाइयां चलती है। श्वेतांबर पंथ वाले हैं वो वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर पंथ वाले वस्त्र नहीं पहनते, तो भगवान के साथ भी उनका वैसा ही है, वस्त्र पहनाते और एक में वस्त्र नहीं पहनाते। अब उनकी लड़ाई है वो जाने, पर इनके अंदर स्पर्धा भी है, श्वेतांबर से ज्यादा दिगंबर के मंदिर हो, दिगंबर से ज्यादा श्वेतांबर के मंदिर हो, नहीं हो वहां पर दावा ठोक दो, और ऐसा सब कुछ चलता है। अभी अभी कल परसों ही वाशिम में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के वहां लकड़ी चाकू ऐसे सब तरह से लड़ाइयां उन दोनों की हुई है, बहुत वहां पर बड़ी लड़ाई हुई जो टीवी और उसमें भी आई है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ के नवाब थे उनके साथ डील करके, यानी पैसा वैसा दे करके
वो राख हिंगाल का महल जो है उसको लिया और वहां पर वस्तुपाल तेजपाल नामक जो उनके प्रतिनिधि थे या पैसे वाले थे उनके द्वारा वहां पर जैन मंदिर बनवाए गए। इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं, उसके पत्ते बदलवा देना, किस तरह से काम करना, ये सब कुछ करते हैं। अब जैन मंदिर हुआ वहां पर। अब इनका तरीका कैसा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, सरकार में नेता है, न्यायपालिका है, मीडिया है और ऐसे जो लोकतंत्र के स्तंभ है सभी, वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं यदि वो जैन है तो उनको धर्म का वास्ता देते कि धर्म के लिए तुमको करना पड़ेगा, और जो जैन नहीं है उनको पैसे से या फिर जो भी व्यवस्था चाहिए उसको, और जो भी में फिर वो हर तरह की व्यवस्था, वो व्यवस्थाएं प्रदान करके उनको करप्ट करते हैं और अपनी बात मनवाना या जगन उस भूमि को लेना, मंदिरों पर कब्जा करना, अपनी पॉलिसी में डलवाना, ये सब काम करना सब कुछ करते हैं। मैं बचपन में तो ये मुझे पता ही नहीं था कि जैन हिंदू नहीं होते, मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो गिरना रह के पता चला कि जैन हिंदू अपने आप को मानते नहीं है। मैं तो सत्य कह रहा हूँ, मैं तो हम तो यही समझते क्योंकि हम एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो ऐसा कभी रहा नहीं, पर गिरना रह के पता चला कि ये तो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, और हम सनातन सनातन करते तो हमें यही नहीं पता चल रहा हम अपने भाइयों के साथ लड़ रहे हैं या विधर्मियों के साथ लड़ रहे हैं। ना संतों को स्पष्ट किया जा रहा है ना वो लोग स्पष्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा संघ संगठन को भी देखना पड़ेगा क्योंकि संघ संगठन में बड़े पदों पर बैठे हैं, जब बात आती है उनकी तो वो जैन हो जाते हैं, जब अपनी बात आती तो कहते हम हिंदू है, तो ये सब है इस तरह का मामला, तो बड़ा चतुराई से इसको हैंडल किया जा रहा है। सुना आपने कितने गंभीर गंभीर बातें कर दी, ये सब मिथ्या झूठे अंगारोप कि ब्यूरोक्रेट्स को जैन खरीदता है, गलत गलत तरीके से करप्ट बनाता है जैनों का, कभी ऐसा नहीं रहा। मेरे आदरणीय हैं आप, सनातनी के अंदर आप परंपरा में, वैदिक परंपरा में आगे रहते हैं, पर दूसरे किसी भाई पर इस तरह आरोप मत लगाएं। जैन दिगंबर नेमिनाथ सबका इतिहास है, सब हाँ कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, जिसकी सत्ता होती है वह बहुत कुछ कर सकता है, पर यह सब अशोभनीय बातें संतों के मुख से अच्छी नहीं लगती हैं। और सुनिए, ये प्रशासन से एक मांग है कि जिन्होंने ये घोर अपराध किया है, पूजा में बाधा डालने का, वहां जाके मोड़तोड़ करने का, तो उनके अगेंस्ट में एक FIR तुरंत लॉन्च किया जाए और उनको तुरंत अटक किया जाए, ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग तो हमारी ये है कि इस ढंग से अलग अलग रूप लेके अलग अलग कारण दिखा के वो ऊपर तक जाते हैं, देखो हमारे मालिक ने, हमारे भगवान ने सबको समान और शांति का उपदेश दिया है। आप आके वहां पे पूजा कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आके विघ्न नहीं कर सकते, पूजा में बाधा नहीं डाल सकते, वहां पे हक नहीं जता सकते कि ये हमारा है करके। दत्तात्रेय महाराज हमारा है और हमारा ही रहेगा। हाँ, हमारी भी यही मांग है, FIR होनी चाहिए, शिकायत होनी चाहिए, सही बात सही सामने आनी चाहिए। उसके लिए वीडियो में कुछ दिखा देते हैं आपको, शोर भी सुन रहे हैं, आवाज़ भी सुन रहे हैं, और यह दूध का दूध और पानी का पानी, यह वीडियो साफ करता है किसके हाथ में तलवार होती है, चिमटा म्यान होती है, ये साफ सबको दिखता है। इसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला, अफसोस सिर्फ इस बात का लगता है। उनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, साधु संतों की मांगों को पूरा करना चाहिए और सनातन जीवंत रहना चाहिए, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं और जी रहे हैं, ये मेरा सबसे बड़ी बात है। हाँ, हम भी यही कह सकते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए, सबको बराबर अधिकार है, ये नहीं होना चाहिए कि बड़ी मछली छोटी मछली पर। हाँ, हम गिनती में आज बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि न्याय के लिए शरीर देखा जाएगा, खोपड़ियाँ गिनी जाएंगी, ऐसा नहीं है। न्याय छोटा भी हो, अधिकार तो बराबर मिलना चाहिए ना। आगे सुनते हैं कि ये बार बार क्यों हो रहा है कि सनातन के ऊपर ही प्रहार किए जा रहे हैं और वो भी भीतर के लोगों से। अच्छा, वो
हमको कहा जा रहा है कि वो हमारे भाई हैं, पर वो कहते हैं कि हम आपके भाई नहीं हैं, वो कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, तो हम झगड़ किस लिए रहे, किसके साथ झगड़ रहे हैं, क्लियर होना चाहिए। एक बात से दूसरी बात ये कहा कि ये केवल दिगंबर जैन का मामला नहीं है, यहाँ दिगंबर जैन का झगड़ा यहाँ पर चल रहा है, पालीताना एक पहाड़ है, वहां पर शिव मंदिर को लेकर के और कई मंदिरों को लेकर के बाकी समाज जो श्वेतांबर जैन है या पूरा जैन समाज है वहां भी चल रहा है। तो यानी ये अलग अलग तरीके से किसी षड्यंत्र का हिस्सा है या क्या है, ये क्या हो रहा है ये स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, जब बार बार ये हो रहा है, एक तरफ मोदी सरकार विश्व भर में भारत और सनातन का झंडा परचम लहरा रही है, तब गुजरात सरकार क्यों ऐसा मौन है, कि क्या उनकी मजबूरी है कि वो चुप है इतने प्राण होने के बावजूद। बीच में स्वामीनारायण संप्रदाय के द्वारा किया गया, उसके बाद हनुमान जी का विवाद जो खड़ा किया गया, उसके बाद या जैनों के द्वारा किया जा रहा है, तो ये बार बार हो रहा है, तो यहाँ की सरकार चुप क्यों बैठी है। जब मोदी सरकार इतने झंडे लहरा रही है विश्व भर में, तो ये तो वैसा हुआ कि उनके हाथ पैर खींचने वाली बात ही, तो मौन क्यों। ये जो जिन्होंने गुनाह किया है, जब दत्तात्रेय भगवान के चरण पादुका के ऊपर कुर्सी फेंकी गई, वो पूजा सामग्री को लात मार के आपने वो किया, वीडियो में आ रहा है, और ये सब नुकसान वहां पर अलग अलग हुआ, ये सब हुआ, तो उसके ऊपर वो दंडात्मक कार्यवाही क्यों नहीं, एफआईआर क्यों नहीं, उनकी अटकायत क्यों नहीं, ऐसी सब भावनाएं व्यक्त की। और फिर कहा कि अंत में याद रखिए कि हमारे नागा की नागाशाही अगर चल पड़ी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए शांति के लिए हम बात करते हैं, शांति से इस बात को समझ करके तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई हो और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, उसकी अपील उन्होंने की है। इतिहास गवाह है, श्रमण और वैदिक संस्कृति 7,000 वर्षों से चल रही है, कभी ऊंच नीच नहीं हुई, कभी मिल जाते हैं। अरे ऐसी ये रेल की पटरी के दो पाए हैं जो हमेशा समान चलते चलते आगे तक चलते हैं, तभी कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम के बिना आर्य प्रधानमंत्री मोदी बात पूरी चलती है। दो धर्म हैं लेकिन विचारधाराएं सत्य अहिंसा के रूप में दोनों की चलती हैं। सुनेंगे आगे, बहुत कुछ है आज सुनने को जो प्रेस वार्ता में कहा गया, कहें क्या उगला गया। बड़ा हैरान हूं मैं, 7वां दिन है, एफआईआर अभी तक भी इन्होंने नहीं ली, ना दर्ज की, ना उनको पकड़ा गया अभी तक। अभी मराठी भाई ने बोला कि तुम पकड़ोगे तो 15 दिन में हम लेके आते हैं, तो आप मजबूर क्यों कर रहे हो भाई, मजबूर क्यों कर रहे हो उनको। फिर अगर ये दत्तात्रेय की सेना, नागा सेना अगर ये निकल पड़ी तो फिर आप देख लो, क्योंकि संस्था की भी एक मजबूरी है, एक मर्यादा तक ही मैं संभाल सकता हूं। 7 दिनों तक संभाला मैं भी, शांति 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 कितनी बार कहूं, क्योंकि चोटें पहुंच रही है। फिर अगर मेरी भी नहीं सुनेंगे, सबकी नहीं सुनेंगे, तब क्या करोगे आप। तो आपसे कहूंगा जिन्होंने यहाँ गुनाह किया है, या तो आप स्वयं आ जाइए, अपनी यहाँ पर अटकायत दीजिए, ताकि सब मामला शांत हो, माफी वाफी मांग लीजिए, जैसे इन्होंने कहा 3 मांगे हैं, एक एफआईआर दर्ज हो, दूसरा तुरंत प्रभाव से उनको दंड मिले, अटकायत हो उनकी, और तीसरा के कागज के ऊपर और लाइव वीडियो में माफी मांगे, ताकि हम समाज में भेज सके कि शांत हो जाइए, सब ठीक हो चुका है, और चौथा आखिरी कि उस समाज को प्रतिबंध लगाया जाए कि वो उधर जाए नहीं, जैन मंदिर चले। हाँ, आपकी बात में दम है, अरे आप कुछ भी कर सकते हैं, जब हाथी होता है तो चींटी कुछ नहीं कर पाती है। हाँ, आप शस्त्र से शास्त्र भी चला सकते हैं, आप किसी के ऊपर दबा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, दम है तो कुछ क्या कम है, पर न्याय तो होना ही चाहिए। आज अल्पसंख्यक हैं, कुछ आवाज़ तो उठा सकते हैं, समान अधिकार के नहीं तो कुछ ना कुछ अधिकार की, अपनी सुरक्षा की बात तो कर ही सकते हैं ना हम भी। अधिकार मिलना चाहिए न्याय का, समानता का, पूजा का, जयकारे का, मंत्र जप का, हमें तो मिलना चाहिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, सुनते हैं आगे। वीडियो आपने देखा, और क्या होता था, बार बार ये लोग आकर के परेशान करते थे, वहां पर पीड़ा देते थे, तो वहां के नागा साधु अपने आराध्य के साथ अगर कुछ हो रहा है तो वो तो भड़केगा, अब वो भड़केगा तो वो फिर हाथ पैर भी चला लेता था, थोड़ी वाणी भी उसकी, अब नागा साधु को थोड़ी ना ऐसे पता चलता है, वो तो शास्त्र भी पढ़ लेता और शस्त्र भी ले लेता है,
तो वो अपनी बातें रखता था और उसकी वजह से इन्होंने एक इमेज क्रिएट की कि वहां साधु मारते हैं, साधु मारते हैं, साधु मारते हैं। तो मुझे कई वरिष्ठ नेताओं और संघ के वरिष्ठ अधिकारियों और सबने कहा कि आप थोड़ा देखिए, वहां शांति रहे, शांति रहे। और अभी एक डेढ़ महीने पहले ही सबसे वरिष्ठ जो हमारे है संघ के, उन्होंने भी कहा कि शांति का देख लीजिए। इस बार मैं ऊपर गया तो मैंने हाथ जोड़े उनके कि एक बार आप केवल शांति रखिए, आप शांति रखोगे तो ये लोग किस हद तक जाते हैं ये समाज को पता चलेगा। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, समाज के अंदर एक ही बात जाती है कि आप लोग मारते हो, आप लोग मारते हो, पर क्यों मारते हो, किस पीड़ा की वजह से, क्यों आपके आप भड़क जाते हो, वो समाज को पता चलना चाहिए। और मेरी बात का सम्मान रखते हुए उन्होंने इस बार शांति रखी, एक बार शांति रखी, उसका परिणाम क्या हुआ देख लीजिए। वहां पर मैं सभी नेताओं को सबको कहना चाहता हूं कि एक बार वहां के हमारे साधुओं ने शांति रखी तो आपको उनका चरित्र पता चल गया। अहिंसा अहिंसा करने वालों ने कुर्सियां उछाली, वहां के पूजा को लात मारी, ये मारा सब मारा। और वहां पर मैं अभी पूरा सत्य नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि अगर मैंने पूरा सत्य बता दिया तो क्या से क्या हो जाएगा। पर मैं कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा ध्यान रखिए, हम सभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भारत माता का जो चित्र आज विश्व पटल पर आया है वो पहले कभी नहीं था। जी हाँ, जैनियों को भी शस्त्र मिले हैं, शास्त्र नहीं मिले। आपसे सुनने को किसने मीठा पाठ नहीं उठाया, हमेशा डंडा उठाया, गाली गलौज किया, तलवारें उठाई, बहुत कुछ किया। कुछ ये चित्र, ये वीडियो आप कई बार देख चुके होते हैं, फिर भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें बताती हैं, तस्वीरें जो बोलती हैं वह शब्द नहीं बोल पाते, और तस्वीर की सच्चाई मुख से कभी प्रकट भी नहीं होती। आगे सुनते हैं। पहचान बदलने के लिए जिसको गुरु शिखर के नाम से पहचाना जा रहा है उसको ये लोग कह रहे हैं कि पांच मिनट कैसे हुई। पहला तो जैन मंदिर पकड़ लो, दूसरा गौमुखी पकड़ लो, तीसरा अंबाजी पकड़ लो, चौथा गोरक्षनाथ पकड़ लो, पांचवा तो गोघड़ टूक है, पर वहां रास्ता नहीं है जाने का। इसमें इन्होंने पांच मिनट किसको कर दिया कि नहीं, जैन मंदिर, अंबाजी मंदिर, गोरक्षनाथ और ओघड़ और दत्तात्रेय, क्योंकि वहां सीढ़ी है जाने सीढ़ी। हाँ हाँ, वहां भी लहराते हैं, बिल्कुल लहराते हैं, पर कई वीडियो में पता चलेगा वहां जा नहीं सकते, आप पांच मिनट को कीजिए। तो ये लोग इस तरह का कार्य करते हैं, पांच मिनट उसकी पहचान बदलना चाहते हैं, तो इस तरह की छेड़छाड़ करना चाहते हैं। और पूरा मैं ये कहूं, गिरनार के कब्जे के साथ साथ इन्होंने मांग की है तलेटी खाली करवाओ, 1947 के पहले या उसके पहले जैसी तलेटी थी वो बना के दो। अब हमारा साधु अलग अलग जगह पे धुंधी लगा के बैठा है, तू उसको निकालेगा, तेरी हिम्मत है? और तू क्या बातें कर रहा है? और जो आए उनको पता भी है उन्होंने गुनाह क्या किया है, उसको उनको अंदाजा भी है कि उनसे हुआ क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या आ सकते हैं। अरे तुम लोग जो यहां पर आए हो, आप आइडेंटिफाई भी हो चुके हो, अपनी शामत मनाओ के साधु समाज चुप बैठा है। महेश गिरी बापू ने प्रार्थना की, सबने पीठों से प्रार्थना की, बापू ने बोला सब शांत बैठे, महाराष्ट्र शांत बैठा है, क्योंकि बार बार हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। तुम्हें पता भी है, तुम जहां भी हो, ये सब सेना जो है नागा साधु, और ये दो सेना इस भारत में है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता कोई, एक नागा साधु और दूसरा जय शिवाजी जय भवानी। ये दो सेना अगर निकली तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हाल होगा। आपने गुनाह क्या किया आपको पता भी है, और ऊपर से उन्होंने ये इतना बढ़ा क्यों? इन लोगों ने क्या किया बापू, इन्होंने यहाँ वीडियो बना करके और जीत का जश्न मनाने की वीडियो बनाए और वो भी बहुत वायरल हुए, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। वो जीत की तरह आपको मैं बता दूं जिन्होंने ये गुनाह किया, आपको शायद अंदाजा नहीं है। हमें बोला गया, ऊपर से भी कहा गया कि देखिए शांति नहीं बिगड़नी चाहिए, क्योंकि शांति का प्रयास इस भारत और सनातन का पहला प्रयास होता है, हम भी सम्मान करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप ऊपर गए चरण पादुकों पे गड़बड़ की और शांति से उतर के चले गए, आपको लगता है ये आसान है? पहले जो आए थे उनको पूछ लो, चरण पादुका पर पहुंच कर कुछ किया तो गोरक्षनाथ पहुंचने के पहले ही वहां पर हमारे महात्माओं ने कार्यक्रम कर दिया था उनका,
तुम नीचे उतर के गए शामक मनाओ, क्योंकि साधु को प्रार्थना की गई थी महात्माओं को कि शांति से रहना है इस बार, ताकि इनके चरित्र उजागर हो जाए। इनके चरित्र उजागर होने चाहिए कि इन्होंने किया क्या है। पुराना इतिहास आप देख लो, कैसे कैसे महात्मा, फिर वो अपने आराध्य के ऊपर अगर कुछ होता है तो वो सब भूल जाएगा। अगर मेरे आराध्य के ऊपर तुमने हमला किया तो मैं सब शासन प्रशासन सब भूल जाऊंगा, क्योंकि मेरे आराध्य सबसे पहले है भाई, मेरा दत्तात्रेय सबसे पहले है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रह्मांड पूरा विरुद्ध हो जाए, मेरे आराध्य के साथ कुछ होता है तो बाकी सब एक तरफ। पर शांति सनातन का श्रृंगार है, इसलिए उसको पहन करके उस शांति के साथ हमने सब कुछ खत्म हो शांति से सब उसका प्रयास किया। सही कहा आपने कि आप में इतना दम है, इतना बलवा कर सकते हैं कि कोई पांचवी टोक से आए तो तीसरी टोक पर जिंदा नहीं दिखेगा। कह दिया ना आपने कि एक पहले कार्यक्रम कर चुके हैं, आपने संकेत दे दिया, पर दादागिरी से धर्म नहीं चलते। धर्म बहुत ऊंचा होता है, और जब धर्म के रास्ते नहीं चलते, अधर्म या असुर बन जाते हैं, तो उसका नाश भी जल्दी होता है। धर्म सर्वोपरि है, चाहे वैदिक हो या श्रमण रूप से हो, राय अलग हो सकती हैं, पर कोई धर्म हिंसा का सेना की धमकी नहीं देता है। हाँ, सुरक्षा सबको करनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा का मतलब यह नहीं कि हम तांडव करने जाएं। अभी और सुनना बाकी है, सुनिए जरा, बहुत कड़ी कड़ी बातें हैं, प्यार से जवाब दीजिए। वात्सल्य प्रेम भाईचारा सबसे ऊपर रहता है। गांधी जी की लाठी में बहुत दम होता है, अहिंसा के अंदर बहुत ताकत होती है। आगे सुनिए। सनातन काल से गिरनार खड़ा है, सनातन का झंडा लहरा रहा है, और इस गिरनार के छत्र छाया में मां अंबा का बैठ स्थान है, पीठ है, गोरक्षनाथ जी का पीठ है, दत्तात्रेय जी का पीठ है, और अनसुया माता, रेणुका माता, महाकाली माता के शिखर है, साथ ही भवनाथ महादेव, असुरा महादेव, जटाशंकर महादेव और अन्य अन्य तीर्थ है। यहाँ पर दामोदर भगवान, बलराम भगवान की भी स्थान है। ये सब पवित्र तीर्थ स्थान है, वैष्णवों के, शैवों के, सभी के पीठ है। ये सनातन को लेकर के झंडा आज भी गिरनार इस भारत भूमि का, पृथ्वी पर, विश्व के फलक पर लहरा रहा है। 1.5 करोड़ तक यात्री यहाँ हर साल आते हैं। यहाँ पर परिक्रमा का मेला होता है, 20 लाख यात्री परिक्रमा करता है, और श्री कृष्ण भगवान ने भी परिक्रमा की है। इतना पुराना तो इसका 5000 साल पहले की है, ये भी इसके प्रमाण देते हैं। उसके साथ शिवरात्रि का मेला जो यहाँ लगता है, उसमें हमारे नागा साधु भवनाथ महादेव के दर्शन करते, और दत्तात्रेय भगवान की पालकी हजारों साल से अखाड़े की तरफ से निकलती हो। हाँ, आपने सही कहा, श्री कृष्ण जी ने परिक्रमा की, लेकिन श्री कृष्ण जी क्यों याद करते हैं, उनके वंशज में और क्यों याद करते? उनके पिताजी थे वसुदेव, उनके बड़े भाई थे समुद्र विजय जी, जिनके पुत्र थे नेमिनाथ। दोनों भाई भाई थे, चचेरे भाई थे। और श्री कृष्ण जी मिल लीजिए, उनकी रुक्मणी से पुत्र हुए प्रद्युम्न कुमार जी, और जामुंदी से जी पुत्र हुए अनिरुद्ध कुमार जी, शंभु कुमार जी, यानी उन्हीं के पुत्र थे जिन्होंने नेमिनाथ भगवान के यहाँ से मोक्ष गए, सिद्धालय गए, वहाँ पर उनसे दीक्षा लेने के बाद। और हाँ, प्रद्युम्न कुमार जी के पुत्र थे अनिरुद्ध स्वामी जी, वह भी यहीं से मोक्ष गए हैं। हम इनको क्यों भूल जाते हैं कि यह भी उनकी मोक्ष स्थली, 72 करोड़ 700 मुनिराजों की मोक्ष स्थली रही है, रिश्ते हैं उनके भी, उन रिश्तों को क्यों भूल जाते हैं? अरे श्री कृष्ण जी याद हैं तो उनके पोते पुत्र भी तो याद होने चाहिए, उनके चचेरे भाई को क्यों भूल जाते हैं? अभी तो और कुछ सुनना है, सुनिए जरा। अब मजे की बात देख लो, यहाँ के लोकल जैन है, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनका कभी आपने झगड़ा नहीं सुना होगा इसके लिए, क्योंकि उन्हें पूरा इतिहास पता है, यहाँ की परंपरा पता है। तो ये क्या करते हैं, इनके जो मुनि है वो बाहर के लोगों को वहां से भेजते हैं, और वहां से भेज करके यहाँ का वातावरण दूषित करने का कार्य करते हैं। और हद तो वहां तक है साहब, कि इन्होंने बीच में लड्डू बनाने का प्रोग्राम चालू किया, चढ़ाने का चालू किया, और ऊपर तीर्थ यात्री जब लेकर के आते हैं तो संख्या कैसे बताए कि संख्या है नहीं, क्योंकि जैन समाज की, तो आदिवासी समाज के गरीब लोग हैं, उनको महाराज जी ये पटका वटका पहना के 5-10 हजार रुपया देकर के जैन जैन बना करके ऊपर चढ़ाते। अब इनको पकड़े गए ये लोग, उसके भी वहां पर शिकायत हुई,
फिर क्रिश्चियन मिशनरी की तरह चालू किया, आदिवासी गरीब है पैसे से गरीब लेकर के उनको जैन बना, ऐसे सब कार्य चालू किए। अब ये सब कुछ जो हो रहा है ये सनातन के लिए अच्छा नहीं है, इसके ऊपर ध्यान रखा जाए, क्योंकि एक जैन वर्ग ऐसा है जो सच में अहिंसावादी है और सच में वो केवल पूजा पाठ भक्ति भाव सेवा में ध्यान रखता है, और ये जो दूसरा वर्ग है ये बड़ा अराजक फैलाने का काम कर रहा है, इसको पहचाना जाए और उनके ऊपर तुरंत ही कार्रवाई की जाए। श्वेतांबर दिगंबरों को लड़ाने के लिए बहुत अच्छी बात कहते हो आप जैसे, सचमुच, पर यह कभी नहीं है। दिगंबर धर्म हमेशा ऊंचाइयों पर तप त्याग की पराकाष्ठा में पूरी दुनिया में माना जाता है। हमारे वैदिक सांझे साधु हैं वह भी इस बात को मानते हैं। इसे कठिन तपचर्या नहीं होती है। अरे यहाँ धर्म बदले नहीं जाते, 8वीं सदी से हमारे साथ क्या घोर अन्याय हुआ है, यह इतिहास आज यहाँ दोहराने का समय नहीं है कि बार बार काटे गए, मारे गए, सूली पर चढ़ाए गए और मंदिरों को बदला गया। जैनी कभी मदद नहीं बदलते, यह गवाह है, इतिहास आज भी साक्षी इस बात का। आगे सुनते हैं। अब दिगंबर के लिए कोई जगह नहीं रही, क्योंकि गिरनार के ऊपर पहाड़ के पत्थर के ऊपर कहाँ बनाएंगे, तो इन्होंने शुरू किया। महाराष्ट्र में चलता है दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, बस उस बात को पकड़ा 200-300 साल पहले और यहाँ दावा ठोक दिया कि हमारा नेमिनाथ है। अब नेमिनाथ बोलने के बाद दिक्कत ये हुआ वहां पर कि उनको मोक्ष दिया, तो मोक्ष देने वाले परमात्मा तो वहां बैठे ही थे मेरे भाई, तभी तो मोक्ष मिला, गुरु बैठे थे, जगत गुरु बैठे थे। अब आगे की बात आप अगर देखोगे तो गुरु गोरक्षनाथ अंबा माता, तो ये क्या इन्होंने चालू किया, पहचान बदलने का काम चालू किया। अंबा माता को कहते हैं हमारी पद्मावती देवी है, शासन की देवी है, शासन देवी है। गोरक्षनाथ जी के वहां अनिरुद्ध कुमार और प्रद्युमन कुमार के चरण चिन्ह है, और दत्तात्रेय भगवान के वहां नेमिनाथ भगवान के चरण है। अरे पर इतिहास में रिकॉर्ड में कहीं कुछ नहीं है, तुम क्यों बार बार लड़ते हो और क्यों यहाँ की शांति बिगाड़ने आते हो भाई, अब आओ दर्शन करो, निकल जाओ वहां की पद्धति वर्तमान में। अच्छा चलो एक सब कुछ भूल जाओ, वर्तमान में वहां पर सनातन हिंदू परंपरा की पूजा पाठ और गुरु दत्तात्रेय भगवान के चरण चिन्ह है वो वहां पर है, उसको सम्मान दो, दर्शन करके निकल जाओ, मन में बोल दो नेमिनाथ। जी हाँ, इतिहास उठाकर देख लीजिए आप 8वीं सदी से लेकर आज तक का, जैनियों ने कभी किसी की मूर्ति, विशेषकर दिगंबर समाज ने आज तक किसी की मूर्ति नहीं बदली। जैन कभी किसी का तीर्थ नहीं बदलता, और हमारे तीर्थ कितने बदल दिए होंगे, कितने, इसकी एक लंबी श्रृंखला आज तक दिख जाएगी आपको। कहाँ मूर्तियाँ बदल गई, कहाँ कपड़े पहना दिए गए, कहाँ तिलक लगा दिए, कहाँ सिंदूर लगा दिया, कहीं बदल दिया गया, बहुत कुछ आज भी वह जीवंत दिखता है। पर जैनियों की एक मिसाल दिखा दें कि अन्य धर्म के किसी तीर्थ को, किसी मंदिर को बदलना हो, इसलिए वह बात मत कहिए जो इतिहास जिसकी गवाही नहीं देता। अभी तो बहुत कुछ सुनना बाकी है, सुनते हैं। 1 तारीख को जो दत्तात्रेय की भगवान के शिखर के वहां पर जो कृत्य किया है, उनके लोगों के खिलाफ FIR अभी तक क्यों नहीं हुई और उनकी अटकायत क्यों नहीं हुई, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया, उनको उचित दंड क्यों नहीं दिया, ये हमारी सबकी मांग है, ये महादेव गिरी बापू की तरफ से कहा गया। उसके पहले गिरनारा ब्राह्मण समाज की तरफ से निर्भय भाई ने बात रखी कि गिरनार ये संतों की भूमि है, यहाँ महाशिवरात्रि का मेला लगता है, परिक्रमा का मेला लगता है, यहाँ दामोदर भगवान और बलराम जी का भी स्थान है, यहाँ पर सोनरख नदी बहती है, और उसकी कई ऐसी बातें भी बताई कि क्या है गिरनार और ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो सरकार उसके लिए तुरंत ही कार्यवाही करें, ये बताया। हम भी चाहते हैं न्याय होना चाहिए। ये दृश्य देखकर आपको कम से कम उन साधुओं को, उन पत्रकारों को ये दिखाना चाहिए ना वीडियो, ये फोटो दिखानी चाहिए, वीडियो दिखाना चाहिए कि कैसे तलवार लहरा रहे हैं। जब सामने कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाता है ना, कम से कम उसके हाथ तो यूं करके उठता ही है कि भाई मत मारो, रुक जाओ रुक जाओ। नहीं, उसी भी नहीं है, लहरा रहे हैं। 2013 में कर चुके हैं, बार बार करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। वो तो वहाँ पे CCTV नहीं है, CCTV होने चाहिए, चौकी बननी चाहिए, चौथी बजे, ये हम कल बात करेंगे आपसे जब 2:30 बजे आपके पास लाइव आएंगे। कल 3 बजे लाइव देखिएगा इसी YouTube चैनल पर, पैस जारता, जब यहाँ पर जैन धर्म सक्षम मांस के दिगंबर समाज की ओर से होगी अहमदाबाद के अंदर। पर हाँ, अभी तो आगे सुनिए। गोरक्षनाथ मंदिर जो है ऊपर गोरख शिखर, उसके महंत सोमनाथ महाराज जी जो है उन्होंने कहा कि
मैं ज्यादा बात नहीं कर पाता क्योंकि मुझे आदत नहीं है हम संतों को इतना ज्यादा बोलने की। तो उन्होंने ये कहा कि मैं दो शब्दों में पीड़ा बता देता हूँ कि वहाँ हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि रामापीर भगवान के चरण चिन्ह है और गोरक्षनाथ भगवान जी के चरण चिन्ह है, उन दोनों की पहचान बदलने का कार्य हो रहा है। एक चरण चिन्ह को प्रद्युमन कुमार के चरण चिन्ह करके बताया जा रहा है, दूसरे को अनिरुद्ध कुमार के चरण चिन्ह बताए जा रहे हैं और पहचान बदलने का कार्य चल रहा है और आके वहां पर हर बार परेशान करते हैं। तो ये केवल दत्तात्रेय शिखर की बात नहीं है, रास्ते में गोरक्षनाथ शिखर आता है उसके लिए भी ये लोग इस तरह से हथियाने का प्रयास चल रहा है। हाँ, हजारों साल से आप कह सकते हैं, लेकिन ये जो टोंके है ना 20-22 साल पहले की गवाह हो जाती हैं। पहचान लीजिए आप कि किस तरह की थी और क्या थी। पांचों टोंके दिगंबर समाज यानी दूसरी टोंक अनिरुद्ध स्वामी की, तीसरी टोंक शंभु स्वामी की, चौथी टोंक प्रद्युमन स्वामी, ये तीनों श्री कृष्ण जी के पुत्र और पोते हैं और पांचवे हैं नेमिनाथ भगवान जो चचेरे भाई हैं, सारे श्री कृष्ण जी से जुड़े हुए हैं। इनको हम क्यों बुला देते हैं, चिंता इस बात की है। सुबह सुबह एक हादसा हो गया है, शिखर जी में चित्र देख रहे हैं आप जो आपको दिखा रहे हैं, टीकमगढ़ के सुरेश चंद सिंघई जी की, यह देवलोक हो गया जब वे वंदना कर रहे थे। सावधान रहिए, सजग रहिए, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, पर अभी हम सब आपसे विदा लेते हैं। कल सुबह 8 बजे के बाद 3 बजे फिर मिलेंगे लाइव अहमदाबाद से। चैनल महालक्ष्मी कुछ कहना जाएगा आप लोगों के सामने, पत्रकारों से साथ दीजिएगा, पहुंचिएगा या सुनिएगा। सादर जय जिनेंद्र।